हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? तो अभी सुबह का टाइम है, फिर से बोल देना किसी ने कि अम्मा से काम करवाती है। ऐसा भी बोल देते हैं बीच में अम्मा से, अम्मा मैं तेरे से काम करवाती हूँ। नहीं, और एक ने बोला था कि बिलासपुर में नहीं बोलते, तो उन बोलते हैं भाई, मैं भी बिलासपुर से हूँ। पहले बोलते थे, अब तो काफी जो न्यू जनरेशन है, पढ़ी लिखी लोग हैं, वो नहीं बोलते, लेकिन पहले बोलते थे। नहीं अम्मा, अभी भी बोलते हैं सास ससुर को तू तू करके। पहले तो बहुत होता था तू। मेरी शादी थी तो मेरे हस्बैंड और यहाँ से लोग जाते थे ना, जाते जैसे नीचे, तो इनको भी ना जो छोटे छोटे बच्चे तू करके बुलाते, इनको बड़ा बुरा लगता था। हमारे तू नहीं बोलते यहाँ पे बागल में। तो चलो मैं थोड़ा सा बता, मैं अम्मा से कोई काम नहीं करवाती, पर ये चलिए अभी भी मेरे साथ जाएंगी। मैं दिखाती हूँ कहाँ जाएंगे हम लोग। अभी मैंने गाय दूध, ये वो बाल्टू रखा है उधर, ये देखो कहाँ रखा है, तो अम्मा ये रखा है बाल्टू, और मैं गायों को बाहर बांधूंगी, अम्मा के पास दूंगी। अभी कैमरा अम्मा करेगी ब्लॉगिंग। अभी अम्मा का कैमरा पकड़ी, बेचारी शुरू शुरू में भी यही पकड़ती थी कैमरा मेरा। और तो चलो मैं ना गायों को बाहर बांधती हूँ सुबह सुबह। अम्मा ये पकड़ना था, अम्मा को सिखा देती हूँ मैं। और अम्मा मैंने बोला था कि घर में रहो, ये मेरे को बोलती है कि तू घर में रह, मैं जाती हूँ, तेरी प्रॉब्लम है। मेरी टांग में बहुत दर्द है और पता नहीं क्यों है, खट्टा खुट्टा खाने से हो जाती है। मैं खाती, खाने से भी तो नहीं हटती ना, मैं परहेज नहीं करती, तो इस वजह से हो जाती है। तो अम्मा बोलती है तू घर में रह, मैं बोलती अम्मा तू घर में रह, मैं जाती हूँ। तो चलो मारना शुरू कर दिया इसने। अरे इसको बोलते हैं कुकड़ी, हमारी भाषा में इसको कुकड़ी बोलते हैं, कुकड़ी। ये हो गया हरा। आजकल बारिश होती नहीं और लगता है कि होने वाली है, बस जी अभी हम जाएंगे घास को। तो देख लिया आपने, पशु हमने बाहर बांध दिए। और आजकल आजकल क्या मतलब, वैसे इतने कमजोर नहीं है, बस इनके ना बाल खड़े रहते हैं आजकल, क्योंकि ठंड होती है हमारे। और अभी हम लोग जा रहे हैं घास को, दूध यही रखेंगे, अभी निकल जाएंगे, क्योंकि आके ना फिर काम होता है बहुत ज़्यादा, कोई वीडियो एडिटिंग होती है आके ही करूँगी मैं, उसको भी खाना बनाना होता है, काम वाले भी आए पार। तो सुबह आजकल गर्मियों में ना मेरी शुरू से ही ऐसी रूटीन थी कि हम सुबह ही निकल जाती हूँ मैं घास को। तो चलो, और इस बार मैंने सुना है कि नलवाड़ी मेला लग रहा है, तो आप सबको नलवाड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। जो जानते हैं बिलासपुर का बहुत ही फेमस मेला है, और स्टेट लेवल का है कि नेशनल लेवल, मुझे नहीं पता। हाँ, दूर दूर से। अरे बापा, जो मेला नलवाड़ी से अंतर्राष्ट्रीय मेला, नेशनल लेवल पे तो है वो, हिमाचल का ही है, मुझे नहीं पता, झूठ नहीं बोलूंगी, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी आपको, जो चीज़ नहीं पता आप बताना कमेंट में। रहने के पापा भी आ गए हैं और हम तीनों जा रहे हैं। अम्मा को बोला था कि घर में रहो,
तो बोलती नहीं मैं दो फूले भी काटूंगी ना। अम्मा बहुत काम करते थे पहले, अभी नहीं करते, करते हैं अभी भी, पर बीमारियों ने जब शरीर जकड़ लिया। ये देखो इसीलिए ना बहुत कम फीड खाती है, थोड़ी थोड़ी करके खाती है। तो चलो आज आपको जंगल की साइड का वो दिखाते हैं। शिटू या बहुत गंदी, अरे दूर रखो ऐसा खा लेना है आएगी, ये गाय इसको ना खाने नहीं देती, दूर से रखो इसे। सुबह सुबह चले सारे लोग घास को, चले। तो अभी हम कर रहे हैं रस्सियां वगैरह इकट्ठी और निकलते हैं घास को। तू ना ये फोन चेक, फोन लो ये दराट दराटिया इसे की छाड़े में होया देख पूरे इस लो ए ए ए बस ये कट्ठे ले ले तो पार दूंगी ना कि दूंगी। तो ठीक है अभी हम चलते हैं है ना। सारे लोग घास को ये सेज ना यहाँ फेंकते हैं। देखो ये जाल मैंने आपको ना उस दिन भी दिखाया था, ये सेबों का जाल है, सेबों के जो पौधे है ना आगे जैसे दिखाती हूँ, अभी आगे जैसे दिखेगा। ये देखो ये सेब का पौधा है ना, तो इसमें जो अभी तो लग गए मेरे ख्याल से लग गए, तो ये देखो तो इनके पक्षी इनका फूल ना खा देते हैं, तो इसको बंद करने के लिए ये जाल आता है, ये मिला देखो इनको, ये देखो अब पक्षी इसके ऊपर नहीं बैठते, अब कहाँ से बैठेंगे इनको, इसने उन्होंने बंद कर दिया है, पार्ली साइड भी इन्होंने लगाया हुआ ना तो बंद करके रखा हुआ है, ये देखो। और ये गया जंगल को रास्ता, और ये लोगों ने दीवार दी अपने बाउंड्री कवर की है, मतलब ये वाली जो ये दीवार ये नीचे जो खेत का खेत है ना उन्होंने कवर करी है ये वाली चीज। ये देखो इनके पानी का टैंक है ना, तो इनके गेहूँ बहुत अच्छा है। सुबह लोग अपने काम को निकल गए हैं। और चलो ये रास्ता ना खच्चरों ने उखाड़ दिया, अभी अभी बनाया था लो, क्या फायदा, ये काम है लोगों के, 3 लाख लगाया इस रास्ते के ऊपर, और बनाने वालों ने भी टेम्परेरी बनाया, और ऊपर से फिर बाद में इसकी केयर भी नहीं कर सकते लोग ढंग से, नहीं इसके ऊपर क्या बोलना। पर भैया अब खच्चरे तो जाने जाने, उन्होंने तो काम करना है, सामान ढोना है, लेकिन बनाने वालों को चाहिए थोड़ा सा ऐसा कि इस तरह का बनाए कि पशु भी जाएं और आदमी भी जाएं, तो ये रास्ता ना उखड़े, ये लो खत्म है। सरकार के पैसे का बेड़ा गर्क है, ये लो जी। अब हम आ चुके हैं रास्ते में, और मांग दिन तो खाली है, तो ये देखो सारे चले हैं। और आज एक गलती होगी, वो मैंने दूसरे वाली चप्पल लेके आ गई, मेरे को ध्यान नहीं रहा, और मेरे पैरों में जो चुभती नहीं है मैं दिखाती हूँ आपको, ये वाली चप्पल, ये वाली, और इसमें जो होते हैं ना वो चुभते हैं कांटे जैसे, चुप्पी के लिए होती है ऐसे, इसलिए बनाई होती है। तो ये देखो जा रहे हैं सारे लोग, और अभी सूर्य भगवान ही निकले, अभी निकल रहे हैं शायद कहीं कहीं पे किरणें, और पता है अजीब जैसा मौसम हुआ पड़ा है, दिखाती हूँ। कल भी काफी लोग पूछ रहे थे मौसम कैसा है, मैं दिखाती हूँ आपको तो मौसम धुंध जैसी पड़ी है, बारिश होती नहीं, ठीक है बारिश बिल्कुल नहीं होती, बस ऐसे धुंध जैसी पड़ी रहती है, ये पता नहीं क्या है। अब मैं चुकवाया हम देख किछ नहीं है, फोन तू सर के काम है फोन रहा, ये देख बस बारिश नहीं है, आती है ऐसे आता है ऐसे होता है कि बारिश लगने वाली है, पर लगती नहीं, होती नहीं,
तो चलो अभी हम पहुंचने वाले हैं घास के पास, तो फिर काट लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे बाद में। और देखो अभी हम पहुंच गए घास के पास और यहाँ है पत्थर ही पत्थर। अभी ना उस वैसा घास नहीं रहा हुआ है, थोड़ा बहुत घास बचा है छोटा छोटा और पत्थरों के बीच में। लो जी बात करो। हाय जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और अम्मा उतर गई, आते ही उतर गई, दो मिनट में बैठी। अम्मा लग गई घास काट रही है। ये देखो मुन्नी लग गई इसकी गप्पे मारने। और हाँ जी जाओ जी जी डाटी जी तीसरी डाटी ले बहुत ज़्यादा करूँगा मैं करता हूँ हरा घास। ये देखो कुकड़ी होंगी ये बाल ये बाल नहीं आती है नहीं नहीं कुकड़ी आ रही है पास आ जाती है। कुछ हरा लेके जाएंगे कुछ लकड़ियां लेके जाएंगे और फिर जाएंगे घर को। हाँ एक बात बता दूं मैं, कल भी बहुत से लोगों की एनिवर्सरी थी और मैं हमेशा बोलती हूँ रोज, आज भी होगी किसी की तो बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। जन्मदिन होगा एनिवर्सरी होगी, माता रानी आपको बहुत सारी खुशियां दे। और अभी हम लोग काट लेते घास, मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ। मैं काटती हूँ ना तो फोन पकने वाला कोई नहीं होता, कई बार अकेली होती हूँ तो। आज देखो अम्मा काट रही है, मैं दिखाती हूँ किस तरह से काटते हैं यहाँ पे घास। देखो ऐसा घास होता है और पत्थरों के बीच में होता है ना, बड़ी दिक्कत होती है। ये देखो मैं दिखाती हूँ, मैं भी काटूंगी अभी तो, बस अम्मा को ऐसे दिखा रही हूँ। और काफी लोग बोलते हैं कि हमें ना घास काटते हुए बहुत अच्छा लगता है देखना, पर हमारे ना पत्थर बहुत होते हैं, मेरे मायके में ना ये पत्थर नहीं होते, पत्थरों के बीच में घास नहीं होता। इसको पकड़ लेंगे पूरा। ये देखो हाथ कटने का डर रहता है, जो अनजान होगा ना उसके हाथ कटने का डर रहता है। यहाँ पे थोड़ा सा काटेंगे हम, ज्यादा नहीं काटेंगे। और देखो खड़े यहाँ पे, मौसम बस धुंध ही धुंध है। और अम्मा के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि इसको जबरदस्ती कटवाता है इससे कोई, या ये हमको भी नहीं बैठने देती कि चलो चलो चलो। अम्मा तारे जबरदस्ती बढ़ाऊं का नहीं लो कुछ लोग बोलते हैं भाई आप अम्मा से काम करवाते। अम्मा बोल रही है कि मैं आराम नहीं कर सकती, मैं इससे बैठा नहीं जाता। बस हम पूरा बांध देवे, पूरा बांध दे वो दसना था। देखो ये ऐसा घास होता है हमारे, और पता है आज तक को ना ये घास हरा हो जाना था पर बारिश ही नहीं हुई, तो बारिश होती तो ये आधा हरा आधा सूखा हो जाता था, इसलिए हमारे ये घास काटते हैं 12 महीने। बहुत सी जगह पे आपने देखा होगा कि 12 महीने घास नहीं काटते, बस कुछ दिन तक जो है तो काटा हुआ खिलाते हैं, जैसे सर्दियों में स्टोर करके। हमारे ये चला ही रहता है, क्यों? क्योंकि हरा हो जाता है ना, तो आधा हरा आधा सूखा, तो पशु बड़े प्यार से खाते हैं उस घास को। पर इस बार कुछ नहीं हुआ, इस बार सारा ही बारिश ही नहीं हुई बिल्कुल, सर्दियाँ बिल्कुल बिना बारिशों के निकल गई। ये बन गया पूला, ये देखो इस तरह से बांधते हैं पूड़े, इस तरह से बांध देंगे हम 8-10-15 पूड़े काटेंगे सभी मिलके। और ठीक है अभी हम काट लेते हैं घास, फिर करते हैं आपसे बातें बाद में। तो ये देखिए फिर यहाँ पे मैं भी घास काटने लगी थी, इनको पकड़ाया था मैंने कैमरा। तो ये पत्थरों के बीच में ना बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पे, और मैंने यहाँ से आगे भी शूट करा है घास बांधते हुए जाते हुए घर को रास्ता वगैरह पर ना, वो वीडियो देखो अभी 14 मिनट 53 54 सेकंड का हो गया था। तो मैंने ना इसको इसी क्लिप पे क्लोज कर देना, बंद कर देना। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप ना लाइक ज़रूर कर दिया करें। लाइक करने से क्या होता है ना कि हमारा वीडियो सजेशन में जाता है, आगे और लोगों के पास भी जाता है, तो ये होता है एक लाइक करने से बहुत मोटिवेशन मिलता है हमारे को। तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, जितने ज़्यादा लाइक होंगे उतना ही ज़्यादा हमारा वीडियो चलेगा, तो लाइक ज़रूर करें, अच्छा तो लगता ही होगा आपको तो लाइक ज़रूर करें। और मिलती हूँ मैं आपको यहाँ से आगे की वीडियो में, और दूसरे चैनल पे जल्दी वीडियो डालने की कोशिश कर रही हूँ आजकल। तो जय माता दी, राम राम। कैसा लगा अम्मा का काम?